अगर इसको टॉकिंग सिखाई जाए तो ये बर्ड काफी, क्योंकि इनकी साइज आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप दो घंटा भी एक बर्ड को नहीं दे सकते तो आपको ये क्या, ये बर्ड आपकी फैमिली के लिए अच्छा है या नहीं है। देखिए, आई कैचिंग और इजी गोइंग, सीवियर मकाऊ मिनी मकाऊ प्रजाति की सबसे लार्जेस्ट स्पीसीज होती है। ये बर्ड अपने टॉकिंग एबिलिटी, अपने फनी बिहेवियर और अफोर्डेबिलिटी की वजह से सारी दुनिया भर में काफी फेमस होते हैं। बट वेट, क्या इनके टॉकिंग एबिलिटी, फनी बिहेवियर और अफोर्डेबिलिटी की वजह से ये बर्ड को लेना सही है? मेरा नाम है शेख तबीर और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीवियर मकाऊ और इनके ओवरव्यू, इनकी साइज, इनका लाइफ स्पैन, इनका डाइट, इनका केयर, इनका टेम्परमेंट, इनके टॉकिंग एबिलिटी और क्या ये बर्ड फर्स्ट टाइमर्स के लिए सही है या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीवियर मकाऊ या चेस्टनट फ्रंटेड मकाऊ या ब्राजीलियन ग्रीन मकाऊ, ये बर्ड पाए जाते हैं दुनिया में ब्राजील, पनामा और बोलीविया में। और अगर आप नजदीक आकर ये बर्ड की पूरी बॉडी प्रोफाइल देखेंगे, होते तो ये बेस ग्रीन कलर के हैं, पर इनके जो फ्रंट में ये जो कलर दिख रहा है हल्का सा ब्राउनिश, इसी वजह से इसे चेस्टनट फ्रंटेड मकाऊ कहा जाता है। और इनके अंडर विंग्स के अंदर रेड कलर के पैचेस आते हैं और टेल ब्राउनिश और ग्रीन कलर की मिक्सचर होती है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, एक सीवियर और एक इलीजर्स मकाऊ जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? इलीजर्स मकाऊ के फ्रंट में ये जो पार्ट है वो पूरा रेड कलर का होता है और चेस्टनट फ्रंटेड यानी सीवियर मकाऊ के फ्रंट में ब्राउनिश कलर का या चेस्टनट कलर का होता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है सीवियर और इलीजर्स मकाऊ में। रही बात इनके साइज की, ये बर्ड अपनी पूरी लाइफ टाइम में 18 से लेके 20 इंच तक लंबे हो सकते हैं और ये बर्ड मिनी मकाऊ की प्रजाति में सबसे लार्जेस्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मिनी मकाऊ के अंदर अलग अलग स्पीसीज आती है, जैसे हांस मकाऊ, इलीजर्स मकाऊ, येलो कॉलर मकाऊ, रेड बेली मकाऊ। और अगर आपको इन मिनी मकाऊ के ऊपर सारी एक डिटेल वीडियो देखनी है तो आप ये लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। ये बर्ड अफ्रीकन ग्रे से बड़े और अमेजोन, जो बड़े अमेजोन होते हैं जैसे येलो नेप्ड, उनकी साइज ले सकते हैं। अगर आप देख सकते हैं इनकी बीक से लेके टेल तक की इनकी जो लंबाई है, ये अभी फिलहाल 18 इंच का एक बर्ड है जो अफ्रीकन ग्रे से काफी लंबा है। अब बात करते हैं इनके एवरेज लाइफ स्पैन की। इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है वो होती है 25 से 30 या 35 ईयर्स, जैसे कि दूसरे मिनी मकाऊ की। और इनकी डाइट सारे सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ साथ इनको सीड्स और नट्स काफी पसंद है। देखिए, ये बर्ड एक मकाऊ प्रजाति का है। मकाऊ बाय डिफॉल्ट दे लाइक सीड्स एंड नट्स, तो ज्यादातर वॉलनट, हेजलनट और आलमंड खाना इनको काफी पसंद होता है। अब बात करें इनके केयर की। देखिए, ये बर्ड है एक मकाऊ ही, पर इसके अंदर काफी मसल्स होता है। ये बर्ड वाइल्ड में खाने की तलाश में 30 से लेके 50 किलोमीटर तक का सफर करते हैं, तो ये बर्ड काफी स्टर्डी होते हैं। तो अगर ये बर्ड का आपको केयर करना है तो इसे आउट ऑफ द केज टाइम देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बर्ड की मसल्स को कंटिन्यूअस एक्सरसाइज कराना जरूरी होता है। नहीं तो नट्स ज्यादा खाने की वजह से इनको ओबेसिटी भी हो सकती है या फैटी लिवर की भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं इनकी टॉकिंग एबिलिटी की। देखिए, ये बर्ड काफी वोकल होते हैं, मतलब ये आवाजें निकालना इनको काफी पसंद होता है और इनकी टॉकिंग एबिलिटी भी काफी अच्छी होती है। दुनिया भर में ये बर्ड काफी मशहूर है अपनी पोतली आवाज या एकदम क्वैकी आवाज से। टॉकिंग जब करता है तो ये लोगों का दिल मोह लेता है, आप बिलीव नहीं करेंगे। अगर अंडर सुपरविजन और प्रॉपर ट्रेनिंग अगर इसको टॉकिंग सिखाई जाए तो ये बर्ड काफी अच्छे टॉकेटिव साबित हो सकते हैं। अब बात करते हैं इनके टेम्परमेंट की। ये बर्ड काफी फनी बर्ड्स होते हैं और फैमिली लविंग बर्ड्स होते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी, मतलब चीजों के जानने का शौक भरा पड़ा होता है, तो ये नई नई चीजों से काफी अट्रैक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, आपने कोई वॉच पहनी है, ज्वेलरी पहनी है, तो इनको काफी अट्रैक्ट करती है। और ये बर्ड अपने फैमिली, ह्यूमन फैमिली को लेके काफी पजेसिव होते हैं। इसी वजह से ये बर्ड को अंडर सुपरविजन और ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है ताकि इनकी टेमनेस और इनकी ट्रेनिंग मेंटेन रह सके। तो अब सबसे बर्निंग क्वेश्चन, मतलब क्या ये बर्ड फर्स्ट टाइमर के लिए सही है या नहीं है? देखिए, जैसे मैंने बताया, ये बर्ड काफी फन लविंग, टॉकिंग होते हैं और इजी टू मेंटेन, क्योंकि इनकी साइज आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये बर्ड आपकी फैमिली के लिए अच्छा है या नहीं है? देखिए,
ये बर्ड जैसे मैंने बताया काफी इनके अंदर मसल होता है, सो दे नीड रेगुलर एक्सरसाइज एंड कंट्रोल्ड डाइट। अगर आप ये बर्ड को टाइम दे सकते हैं दिन में 2 से 3 घंटा आउट ऑफ द केज टाइम, ताकि ये बर्ड की एक्सरसाइज होती रहे, तो ही ये आप बर्ड लेने का सोचिए। तो देखिए, अगर आप 2 घंटा भी एक बर्ड को नहीं दे सकते तो आपको ये क्या कोई भी बर्ड नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, ये बर्ड को अगर आपने आउट ऑफ द केज टाइम नहीं दिया और नट्स सीड्स का ज्यादा इनका यूसेज हुआ, तो इनको ओबेसिटी और फैटी लिवर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। एज फार एज ये बर्ड की कंपैटिबिलिटी दूसरे बर्ड के साथ अगर मैं कहूं, तो इसके साथ आपको कोई दूसरा छोटा बर्ड नहीं रखना चाहिए, जैसे पैराकीट फैमिली से, जैसे मॉन्ग कॉनियर हो गया। ये बर्ड काफी हद तक एग्रेसिव हो जाते हैं छोटे बर्ड के साथ, बड़े बर्ड के साथ भी इजीली मिंगल अप कर लेते हैं। अगर आपके घर में ऑलरेडी कोई छोटा बर्ड है, मॉन्ग कॉनियर कॉकटेल फिंचेस, तो उसके साथ भी ये बर्ड आप नहीं रख सकते, क्योंकि ये बर्ड काफी हद तक एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताना, और अच्छा लगे तो दूसरों को शेयर जरूर करिए, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।